अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के साथ साथ जो दूसरी स्ट्रेटजी स्केलिंग एनहेंसर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है वो है नेटवर्किंग। आप सोचेंगे बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही नेटवर्किंग। एक विजनरी जो है वो अपना विजन शेयर करता है लोगों के साथ, नेटवर्क करता है, फिर वो रिसोर्सेज पूल करता है, डोनर्स को कन्विंस करता है कि उसके काम के लिए करें, वॉलंटियर्स इकट्ठे करता है। इट्स ऑल नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग जो है वो खास तौर पर स्केलिंग की मुख्तलिफ स्टेजेस पर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको स्टार्ट करने के लिए सोशल एंटरप्राइज को भी जरूरी है, लेकिन स्केलिंग के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो नेटवर्किंग को एज स्केलिंग एनहेंसर स्ट्रेटेजी कंसिडर कर रहे हों तो उन्हें तीन चीजों को कंसिडर करने की जरूरत होती है। ये सवाल कि किसके साथ नेटवर्किंग की जाए। ऑफ कोर्स आप नेटवर्किंग उन लोगों के साथ करेंगे जो कि आपके मिशन को स्केल अप करने में मददगार हों। या तो वो एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज लेके आए, कोई स्किल्स कोई कॉम्पिटेंसीज लेके आए, या फिर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके बढ़ाएं, या वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने में हेल्पफुल हों, या वो खुद नए बेनिफिशरीज हों। तो ये वो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ नेटवर्किंग जो है वो करते हैं आप स्केलिंग के लिए, स्केलिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी जो स्केलिंग है उसका पेस ज्यादा हो सके और इम्पेक्ट जो है वो इंक्रीज हो सके। दूसरा क्वेश्चन, इस खास सिचुएशन में स्केलिंग जो है एनहेंसर के तौर पे नेटवर्किंग ही क्यों जरूरी है, उसको कंसिडर करना जरूरी है, कोई और तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया जा सकता। नेटवर्किंग उस वक्त जरूरी हो जाती है जब सोशल एंटरप्राइज को रिसोर्सेज की कमी की प्रॉब्लम हो, कि काम या मिशन या उसकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है, वो दरमियान में काम चल रहा है लेकिन किसी वजह से मसलन ग्रांट खत्म हो गई, या डोनर ने अपना जहन बदल लिया, या उसको अपने जो बेनिफिशरीज हैं वो शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, एक नए इलाके पे फोकस करना पड़ रहा है स्केलिंग के हवाले से, तो रिसोर्सेज की कमी। जब रिसोर्सेज की कमी हो तो आप नेटवर्किंग करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो रिसोर्स रिच होती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं। नेटवर्किंग उस वक्त भी एक ऑप्शन होती है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा कंपटीशन के जरिए से मार्केट को कैप्चर नहीं किया जा सकता। बाज़ुकात कंपटीशन जो है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज होता है। ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मुनासिब समझते हैं कि कोऑप्टेशन कोलैबोरेशन कर ली जाए, फॉर द टाइम बीइंग जो कंपेटिटर्स हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाएं। फॉर एग्जांपल वो मार्केट में मुख्तलिफ लोकेशंस आपस में तकसीम कर लें, वो बेनिफिशरीज के सेट बना लें, या वो प्रोडक्ट और सर्विस के मुख्तलिफ हिस्सों को कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि कंपटीशन में रिसोर्सेज को जाया करने की बजाय वो मिलकर दोनों स्केल कर सकें, दोनों अपना इम्पेक्ट जो है वो बढ़ा सके। इसी तरह जब मुआशरा या आप जिन कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं वहां पे एफिशिएंसी की डिमांड होती है, खास तौर पर उन कम्युनिटीज की तरफ से, उन सोसाइटीज की तरफ से जो डोनेट कर रही हों, जो इन्वेस्ट कर रही हों, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो कंट्रीज जैसे टैक्स पेयर मनी हो सकती है, वो फाउंडेशंस हो सकती हैं जो डोनेशन कलेक्ट करती हैं और फिर सोशल एंटरप्रेन्योर्स को देती हैं। ये सब वो लोग हैं जो एफिशिएंसी चाहते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर रिटर्न, फाइनेंशियल रिटर्न नहीं भी चाहते तो वो डिमांड करते हैं कि आपका इम्पेक्ट ज्यादा हो, आप स्केल पर सर्विसेज प्रोवाइड करें या प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर सकें। ऐसे में बजाय कंपटीशन में जाने के, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश के, नेटवर्किंग जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि सक्सेसफुल नेटवर्किंग कैसे की जा सकती है। सक्सेसफुल नेटवर्किंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर मिशन शेयर्ड है या मिलता जुलता है दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो काम कर रहे हैं वो एक कॉज के लिए है,
तो उनके दरमियान नेटवर्किंग आसान हो जाती है, उनको निगोशिएट नहीं करना पड़ता, मिशन डिस्ट्रैक्शन का डर नहीं होता किसी भी पार्टनर को, वहां पर आसानी रहती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज जो हैं काम करने के हवाले से, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिलीवरी के हवाले से, जैसे ह्यूमन रिस्पेक्ट है, जैसे बेनिफिशरी फर्स्ट है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है उसकी वेलफेयर है, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की मुख्तलिफ वैल्यू होती हैं। अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में नेटवर्किंग का सोच रही हैं, या जिसको किसी पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल एंटरप्रेन्योर जिसको अप्रोच करने की सोच रहा है नेटवर्किंग के हवाले से, दोनों में अगर वैल्यू शेयरिंग है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग एक है वैल्यूज के लेवल पर, तो नेटवर्किंग आसान होती है। अदरवाइज एम्प्लॉयज के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स के दरमियान, जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उनके दरमियान क्लैश आने का डर होता है। इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ आपका शेयर्ड कल्चर हो, कोई कल्चरल वैल्यूज आप शेयर करते हो, उनके साथ नेटवर्किंग आसान होती है। सो बेसिकली ये वो इनटेंजिबल सोशल कैपिटल है, जैसे आपके मिशन, आपकी वैल्यूज, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो नेटवर्किंग को एनहेंस करता है, जो नतीजतन आपकी स्केलिंग को एनहेंस करती है। थैंक यू।